गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम समझाने जा रहे हैं कि इतना दिन जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें पीरियोडिक की तैयारी अब हमको घर बैठ के करना है, तो उसके बारे में जाने कि आपको सिलेबस तो दे चुके हैं और 1-3 चैप्टर आपको पढ़ना है, और उसके अलावा ग्रामर में हमने संधि, संस्कृत वर्णमाला और प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, अनुवाद बनाने का नियम ये सब हमने पढ़ा चुके हैं। तो घर बैठ के आप फर्स्ट पीरियडिक की तैयारी कैसे करिएगा, उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो रहेगा आपको, प्रश्न पहला रहेगा या तो गद्यांश रहेगा या पद्यांश रहेगा या नाट्यांश रहेगा, जो भी एक गद्य खंड का या पद्य खंड का श्लोक में या नाटक में एक पैसेज रहेगा, उसके आधारित क्वेश्चन आंसर, उसी के आधार पर क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको बनाना है। एक क्वेश्चन उस टाइप से हो गया जो आप बनाइएगा, वो फर्स्ट 2-3 चैप्टर का ही, इतना ही पढ़ना है आपको उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रश्न निर्माण, फर्स्ट 2-3 चैप्टर का प्रश्न निर्माण आप पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 3 में भाषिक कार्य और बहुत सारे हैं, और बहुत सारा 1-3 चैप्टर में जो है वो सब भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में संस्कृत वर्णमाला, वर्ण संयोजन, वर्ण को जोड़ना और वर्ण को तोड़ना, ये सब भी उच्चारण स्थान, वर्ण संयोजन उच्चारण स्थान स्थान, ये सब भी संस्कृत वर्णमाला में आप को पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। और 5 में क्वेश्चन संधि विच्छेद ज़्यादा भारी नहीं है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों का मिक्सिंग है, जो क्लास 8 में भी आप पढ़े हैं उसी के आधार पर सिंपल सा वो बना बुक से और बाहर से वही संधि पढ़ा दिए। उसके बाद हमने प्रत्यय का एक प्रत्यय में अब सारा प्रत्यय हमने होल ईयर का पढ़ा दिया है, जैसे कत्वा अक्त्वा तुमुन ल्याप, ये सारे इसके अलावा तब्यत अनियर सत्री सानच अक्तवतु, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 प्रत्यय का अध्ययन आप घर बैठे कर दिया, इसको हमने पढ़ा चुके हैं, ये हमने पढ़ा दिया। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रकृति प्रत्यय बनाए, तो प्रकृति प्रत्यय मीन्स प्रकृति में धातु, जैसे गत्वा का तो गमजोर अक्त्वा तो बना गत्वा, इस प्रकार के तो ये हो गया प्रकृति और ये हो गया प्रत्यय। तो इस प्रकार आपको इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आपको बना लेना है, ठीक है। इसी तरह का प्रत्यय रहेगा, प्रकृति प्रत्यय करना, मिलाना या जोड़ना, संधि में भी वही है कि मिलाना या जोड़ना। संस्कृत वर्णमाला चैप्टर में आपको वर्ण को संयोजन करना, उच्चारण स्थान ये सब पढ़ लेना, भाषिक कार्य, प्रश्न निर्माण और गद्यांश प्रश्न उत्तर आपको उसी टाइप से रहेगा कि आप पढ़िएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसको बनाना है, ठीक है। ये हम आपको क्वेश्चन बता दिए फर्स्ट पीरियडिक का, पीरियडिक फर्स्ट का ये सिलेबस दे दिए, घर बैठ के तैयारी कीजिए। अब हम बताते हैं कि बुक में आपको जैसे पहला लेसन है भारती बसंत गीति, जैसे ये एक पैसेज हुआ, ये पैसेज अगर हम दिए चाहे ये दिए चाहे ये दिए चाहे दूसरे चैप्टर का कोई और भी दे दिए, ऐसे स्वर्ण काका का ही ये पैसेज दे दिए, तो ये हो गया गद्यांश, ये हो गया पद्यांश, दोनों में से अगर आपको कोई मन होगा कुछ दे देंगे, तो इसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा और उसी उसका आंसर इसी में रहेगा, उसको ढूंढ के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसेज पर का हर वर्ड का मीनिंग
समझ लेना है और उसी से आप क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में रहेगा, उसे ढूंढ के निकालना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ये बता दिया। दूसरा क्वेश्चन में आपको रहेगा ये स्तंभ मिलाना है, जैसे कि क स्तंभ पदानी, क स्तंभ पर्याय पदानी, पर्यायवाची शब्द, एक शब्द का अनेक। तो सरस्वती का जैसे हुआ वाणी, आम्रम का रसाला, पवना का समीरा, तटे का तीरे, ब्राह्मणा नाम का अलीना। तो ये पर्यायवाची शब्द, ये सब भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद वाक्य बनाना, ये नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद ये हुआ विलोम, उल्टा शब्द, कठोर का मृदुम, कटु का मधुरम, शीघ्रम का मंदम, प्राचीन का नवीनम, नीरस का सरस। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना। प्रिय क्वेश्चन अनुभव हिंदी भाषा आंगला, ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं करना। दूसरे चैप्टर में स्वर्ण काका, स्वर्ण काका चैप्टर में बता ही दिए कि या तो हम श्लोक से देंगे या इसका पैसेज लेंगे, तो इससे ही क्वेश्चन बनाएंगे और इसका आंसर इसी पैसेज में होगा, इसी टाइप का बनेगा। तो इसको इसमें है क्वेश्चन आंसर याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक पदेन उत्तरत वाला आप याद कर लीजिएगा। विलोम पद में इसका भी यही है, संधि मिलाने वाला है, निजोरावसत निर्वसत, इस तरह करके सबको मिलाने, इस सबको घर में पढ़ लीजिएगा, याद कर लेना है। उसके बाद इसके अलावा है स्थूल पदानिकृत प्रश्न निर्माण या प्रश्न निर्माण मोटे अक्षर में। अब जब हम जब क्वेश्चन देंगे तो उसमें अंडरलाइन क्या रहेगा, उसी से प्रश्न निर्माण बनाने का तरीका है कि आप जैसे स्वर्ण काकम, तो ये द्वितीय विभक्ति है, तो का किम शब्द रूप याद करना है उसके लिए, और अम है तो द्वितीय में कम होगा, इस तरह से बनेगा। सूर्योदयात, तो ये आत है, सूर्योदयात पंचमी विभक्ति है तो कस्मात बनेगा। निर्धन मातु, पालिका निर्धन मातु, दुहिता आसित, तो मातु खष्टी विभक्ति में है, तो यहाँ पर कश्य, बालिका कश्य, दुहिता आसित। ठीक है, क्वेश्चन लुब्धा वृद्धा स्वर्ण का कश्य, कश्य है तो ये भी खष्टी विभक्ति में आएगा, तो लुब्धा वृद्धा कश्य रहस्य मागे। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन ते प्रश्न निर्माण बना लीजिएगा। देखिए प्रकृति प्रत्यय हमने पढ़ा दिया है, फिर भी इसमें जैसे ये प्रकृति हुआ धातु और ये प्रत्यय हुआ, तो दोनों को हस जोड़ सत्री हसन, भक्ष जोड़ सत्री भक्षण, वी जोड़ लोक जोड़ लोप विलोक, क्योंकि ये लियप प्रत्यय है, जो लप प्रत्यय तीन भागों में बटा रहता है, क्योंकि उसमें आगे में उपसर्ग लगा रहता है, तो ये उपसर्ग वाले शब्द हैं विलोक, निक्षिप्य, आगम्य, आगम्य दृष्टवा, इसी तरह करके कहीं पर जोड़ना कहीं पर तोड़ना बनाना, प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय में पढ़ लेना। उसके बाद जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है तो यहाँ अलग करना, हसंतम, हसंतम में कौन सा प्रत्यय होगा, अक्ता, अक्ता प्रत्यय, क्योंकि उसका है गतः गता गतम, तो अम तुम रहता तो तुमुम प्रत्यय होता, लेकिन तम है, तम है तो हसन जोर अक्ता, हसन जोर अक्ता यानी हसंतम। रोदी तुम, यहाँ तुम है, तुम तो मैं तुम मोय, तो ये रुद जोर तुमुन प्रत्यय हुआ, ये तम जहाँ रहेगा वहाँ अक्ता प्रत्यय, तुम जहाँ रहेगा वहाँ तुमुन प्रत्यय। वृद्धा ये भी गतः गता, यहाँ अक्ता प्रत्यय, भक्षण में सत्री प्रत्यय, दृष्टवा में दृश्य जोर अक्तवा प्रत्यय, विलोक में वी जोर लोक जोर, वी जोर लोक जोर ल्यप, नी जोर छिप जोर ल्यप, आ जोर गम जोर ल्यप, ये सब तीन ल्यप प्रत्यय जिसमें रहेगा उसमें तीन खंड में उसको बांटा जाएगा, क्योंकि उसका पहला जो है वो वर्ड जो है वो उपसर्ग है, इसीलिए सहित्वा सुता लघुतम, इस प्रकार से इसको बना लेना है, घर में पढ़ना है किसी भी टाइम। इसके बाद है ये क कम बदती, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक में है वैसे बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है उदाहरण को पंचमी विभक्ति प्रयोग प्रत्यारिक्त स्थान, अब ये सारे वर्ड जो हैं इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंचमी विभक्ति लगाकर सबको भरना है, तो ब्रैकेट में जितना भी वर्ड है ये सब देव शब्द रूप से रिलेटेड है, तो उसमें
तो ग्रामात यहाँ पर जैसे ग्रामात हो जाएगा, इसी प्रकार आत आत करके बढ़ाएगा, ठीक है। तीसरा चैप्टर, तीन ही चैप्टर तक आपको पढ़ना है, तीनों के बारे में हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। वही क्वेश्चन सर एक पदेन वाला आप पढ़ लीजिएगा, यही जिस तरह का रहेगा, तो इसी से क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। इसके बाद पर्याय पद लिखना है, इसके बाद संधि उसी तरह पिछले चैप्टर में बता दिए मिलाना है, प्रकृति संयोज करना है, प्रकृति बात है, इसके बाद उपसर्ग चुन के निकालना है। ये सब में पहला शब्द जो होता है परी उपसर्ग, अधि प्र उप सम प्रति वी उद, ये सब सब उपसर्ग है। तो अगर इसे कुछ शब्द रहेगा तो उसको बनाना है बस। प्रश्न निर्माण भी ऐसे ही है, मोटे अक्षर हैं, उसको देखकर उस किस विभक्ति में है और किस वचन में है उसी का किन शब्द रूप में हम चले जाएंगे और वही प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो और ये घटनानुक्रम, किसी भी कहानी को जो हम पढ़ते हैं, घटनानुक्रम ये हुआ, किसी भी कहानी को जो हम पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरू और अंत, शुरू से उसका एक, जैसे एक राजा था उनके चार पुत्र थे, उनके चार पत्नी, तो वो एक काम करने गया, तो अरेंज वे में आपको लिखना है, यहाँ उल्टा पुल्टा है, इधर उधर है, उसको आपको अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यही है घटनानुक्रम। तो उस तरह से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको अरेंज करना है, ठीक है। धन्यवाद। ये तीन चैप्टर आपको स्टडी बढ़िया से घर में बैठ के कर लीजिएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होगी तो उसको बताने के लिए हम हैं, मेरा नंबर है, जानकारी ले लीजिएगा, पढ़िएगा घर में बैठ के, पीरियडिक फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।